नमस्कार जी, मैं हरप्रीत, जेवीवी न्यूज़ से। देश और दुनिया भर की ताज़ा नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जो डेली की न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आज की खबर ये है कि रशिया में दावा किया गया है जो कोरोना महामारी की दवाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे सेकेंड ऑफ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लिनिकल ऑन मेडिकेशन में ये बताया गया है कि कोरोना महामारी की जो दवाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इस साल के अंत तक ये दवाई जो है देश भर में आ जाएगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी जो भयंकर बीमारी है, इसको निपटने के लिए सभी देश अपने कामों में तेज़ी से जुटे हुए हैं, ताकि इसको बीमारी को हटाने के लिए जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन तैयार की जाए और लोगों की जो जान है उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश भर में कितनी मौतें हो चुकी हैं, कईयों के घर तबाह हो चुके हैं और इसी के चलते हुए जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब तक कोरोना वायरस की किसी तरह की वैक्सीन या दवाई तैयार नहीं होती है, तब तक आप सबको इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए और इम्यूनिटी सही रखने के लिए हमें अपने खाने पीने की खुराक में सुधार करना होगा। जैसे कि खाना पीना टाइम पे खाएं और अपने डेली रूटीन की जो हम नाश्ता करते हैं उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और विटामिन सी और विटामिन डी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जैसे कि हमें संतरे का प्रयोग करना चाहिए, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए और चमनप्रास जैसी जो शक्तिशाली चीज़ें हैं इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अपने डेली खाने पीने के सामान में, और डेली हमें चमनप्रास का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेली जूस पिए, और प्रोटीन के लिए हमें डेली बेसिस पे अंडे खाने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद जी।